1180 में आज ही के दिन जापान के सम्राट गोटोबा का जन्म हुआ। आज ही के दिन 1825 में बोलिविया ने पेरू से स्वतंत्रता हासिल की। 1862 में आज ही के दिन मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 1906 में आज ही के दिन स्वतंत्रता सेनानी चित्रंजन दास और अन्य कांग्रेसी नेताओं ने मिलकर वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया। आज ही के दिन 1925 में कांग्रेसी नेता सुरेंद्रनाथ बनर्जी का निधन हुआ। बनर्जी कांग्रेस के दो बार अध्यक्ष चुने गए। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय समिति की स्थापना की, जो प्रारंभिक दौर के भारतीय राजनीतिक संगठनों में से एक था, और बाद में वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता बन गए। 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत की थी। 1945 में आज ही के दिन अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराए। आज ही के दिन 1962 में जमैका को ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिली। 1986 में आज ही के दिन भारत के प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म हुआ। आज ही के दिन 1996 में नासा ने मंगल पर जीवन होने की संभावना जताई। 2001 में आज ही के दिन भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक समझौता हुआ। आज ही के दिन 2012 में नासा का क्यूरियोसिटी रोवर मंगल ग्रह पर पहुंचा। और आज ही के दिन 2014 में मशहूर कार्टूनिस्ट प्राण कुमार शर्मा का निधन हुआ। 1960 दैनिक मिलाप से प्राण ने अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने भारतीय पात्रों की रचना करके स्थानीय विषयों पर कॉमिक बनाना शुरू किया। भारतीय कॉमिक जगत के सबसे सफल और लोकप्रिय रचयिता कार्टूनिस्ट प्राण के रचे अधिकांश पात्र लोकप्रिय हुए। इनमें से चाचा चौधरी, साबू, बिल्लू और श्रीमती जी बहुत लोकप्रिय कार्टून है। अमेरिका स्थित कार्टून कला के अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय में इनके बनाए कार्टून स्ट्रिप चाचा चौधरी को स्थायी रूप से रखा गया है।